दोस्तों, इस बिना आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने आधार कार्ड का जो है एड्रेस सुधार करना चाहते हैं या आपके आधार पे जो पिता का नाम लिखा रहता है उसके नाम के स्पेलिंग में जो है किसी प्रकार का मिस्टेक है या पति का नाम लिखा रहता है उसमें स्पेलिंग का मिस्टेक है और उसे आप जो है सुधार करना चाहते हैं, सुधार करने के लिए आपको जो है कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तो आप बिना कोई डॉक्यूमेंट के आप अपने आधार कार्ड का एड्रेस किस प्रकार से सुधार करेंगे या उस पर पिता का जो नाम रहता है वो किस प्रकार से बिना कोई डॉक्यूमेंट के सुधार करेंगे, या फिर आपके पास कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है एड्रेस सुधार करने का जैसे कि आवासीय प्रमाण पत्र या फिर आपके इसके अलावा कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप किस प्रकार से उस कंडीशन में सुधार करेंगे, या नहीं भी कोई डॉक्यूमेंट है एड्रेस सुधार करने का तो किस प्रकार से सुधार करेंगे उसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग को इस वीडियो में अपडेट करने के बाद कितना दिनों में ये जो है डाउनलोड होता है, मतलब जो है आप लोग को लाइव इस वीडियो में दिखाया हूं, यहाँ पे जिस व्यक्ति का हमने अपडेट किया है उसी व्यक्ति का मैं आप लोग को डाउनलोड भी करके इसी वीडियो में लाइव आपको दिखाऊंगा कि कितना देर में अपडेट करने के बाद जो है डाउनलोड हो जाता है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखते रहेगा। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, अपने आधार में किसी प्रकार का अपडेट करने के लिए आप लोग को जो है आधार कार्ड की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से क्लिक करके आ जाएगा, या फिर आप अपने मोबाइल फोन या अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में सर्च कर लेंगे कुल प्रोसेस, ना सर्च करके कुल प्रोसेस डॉट इन की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको सिंपली नीचे आ जाना है, स्क्रॉल डाउन करके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के सेक्शन में। यहाँ पे आपको एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, UIDAI आधार कार्ड स्टेटस अपडेट या डाउनलोड एंड करेक्शन ऑफ आधार कार्ड 2023। इस वाले आर्टिकल पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से ये आर्टिकल खुल करके आ जाएगा। इस आर्टिकल में सारी जानकारी यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे अगर आपको जो है किसी प्रकार का अपने आधार में अपडेट करना है तो यहाँ पे अपडेट आधार के सेक्शन में आएंगे। यहाँ पे जो है आधार कार्ड अपडेट दिखेगा, फिर सामने यहाँ पे क्लिक करें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे माई आधार की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसमें किसी प्रकार का अपडेट करना है तो यहां पे देखिए, यहां पे इसमें कहीं भी आपको जो है अपडेट का आपको ऑप्शन इसमें नहीं दिखेगा। आपको जो है इसमें किसी प्रकार का आपको अपडेट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। आपसे यहाँ पे आधार नंबर पूछा जा रहा है तो इंटर आधार नंबर है, इसमें आधार नंबर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड है ये कैप्चा कोड इसमें फिल करेंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ध्यान रहे आपके आधार के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले आप आधार सेंटर से मोबाइल नंबर जो है पहले अपने आधार में अपडेट करवा लीजिए, ठीक है। डिटेल फिल करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है इसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो है ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी टाइप कर देने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे ये जो है लॉगिन हो जाएगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको लॉगिन होगा। तो अब इसमें जो है आपको जो है किसी प्रकार का अपडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस अपडेट है, इसमें एड्रेस के सिवा आप जो है अब कुछ अपडेट नहीं कर सकते, यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इनका डिटेल आप देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखाऊंगा कि मतलब हम कब अपडेट कर रहे हैं और कितना दिन में, मैं आपको डाउनलोड भी करके दिखाऊंगा तो ये जो है कितना दिनों में जो है डाउनलोड भी हो जाएगा। तो आपको जो है पहले यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे आप प्रोफाइल देख लीजिए, यहाँ पे उषा कुमारी के नाम से पूरा मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकता है, कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, किसी का डिटेल नहीं शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप यहाँ पे आधार का जो है लास्ट अंक आप देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो है इसका एड्रेस जो है यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे पिता के नाम में यहाँ पे सोनफी मत है, आप यहाँ पे शुरू का थोड़ा देख लीजिए, बाकी जो है यहाँ पे हाइट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आधार आप जो है लास्ट दो अंक में ला सकते हैं, ठीक है, आप ये चीज देख लीजिए। अब चलिए यहाँ पे इनका पहले एड्रेस अपडेट करते हैं। एड्रेस अपडेट करना है आपको तो यहाँ पे जो है एड्रेस अपडेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, और जो है यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपडेट आधार ऑनलाइन, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस टू अपडेट आधार है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ये सब अभी फिलहाल हाइड है, अभी ये जो है सिर्फ खुद से आप चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एड्रेस में या पिता का नाम जो भी है यहाँ पे इसमें जो है ये आप अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने एड्रेस अपडेट करा है तो इस पे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद प्रोसेस टू आधार है, इस पे हमने क्लिक किया। फिर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पे खुल करके आ गया, यहाँ पे जो एड्रेस पहले से इस आधार में है यहाँ पे ये दिख गया, ठीक है। यहाँ पे जैसे अब केयर ऑफ में यहाँ पे किन का नाम डालना है, ठीक है, तो केयर ऑफ में जिनका भी नाम डालना है, जैसे इनके पति का नाम हो गया कृष्ण, ठीक है, तो यहाँ पे कृष्ण हम यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार से, कृष्ण कुमार, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। और जैसे यहाँ पे लिखेंगे ऑटोमेटिकली नीचे में जो हिंदी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाउस नंबर पूछा जा रहा है, तो जो भी अगर आपके हाउस नंबर आपको पता है,
अब अगर आपका हाउस नंबर है तो यहाँ पे हाउस नंबर लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पे वार्ड, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अपना जो भी वार्ड होगा यहाँ पे इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे स्ट्रीट लाइन, रोड लाइन में जो भी है आपको यहाँ पे लिखेंगे, जैसे इसमें विलेज लिख करके आगे यहाँ पे लिख देंगे कि कौन सा गांव आपका पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे एरिया लोकेलिटी में अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जैसे इसमें हम पोस्ट लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद रिमार्क में यहाँ पे जो है मतलब उसके घर के आसपास में कोई ऐसा फेमस जगह है जिसके नाम से जो है उस जगह को जो है पहचान किया जाए, तो रिमार्क में वही आपको देना है, जैसे कोई मठ मस्जिद या जो है कोई बैंक वगैरह जो हो गया तो इस टाइप का है तो यहाँ पे देंगे, नहीं तो आप इसमें जो है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पुलिस स्टेशन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना सिंपली जो भी आपका पिन कोड होगा पिन कोड नंबर फिल करेंगे, जैसे फिल करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टेट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे विलेज नेम चूज करने का ऑप्शन आ गया, विलेज या टाउन जो भी आपका है यहाँ पे अपना जो यहाँ पे फिल करेंगे, जैसे इनका हनुमान नगर है तो यहाँ पे हम हनुमान नगर चूज कर लेते हैं। विलेज चूज करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है फिर से पोस्ट ऑफिस वगैरह ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आ गया, अब यहाँ पे जो मतलब एड्रेस आप अपने आधार कार्ड पे अपडेट कर रहे हैं तो इसका कोई ना कोई आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा, तो वो प्रूफ आप कौन सा देना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे और इसमें से जो वो प्रूफ आपको चूज करना है, जैसे यहाँ पे आप बैंक जो है अकाउंट स्टेटमेंट देना चाहते हैं या बैंक पासबुक देना चाहते हैं या आपके पास डिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है या अगर आपके पास बिजली बिल है, गैस कनेक्शन है या फिर आपके पास इंडियन पासवर्ड वगैरह है, मतलब आपको कोई भी आपका जो भी प्रूफ है इसमें से अपना देख लेंगे। काफ़ी सारे इसमें जो है मतलब मैरिज सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास आवासीय है तो वो आवासीय यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट आईडी कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, यहाँ पे नरेगा जॉब कार्ड, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज करना है। लेबर कार्ड वगैरह है तो इसी से आपको चूज करना है, तो मेरे केस में आवासीय है तो यहाँ पे ये ऑप्शन चूज करेंगे। देखिए बहुत सारे लोगों का यहाँ पे आवासीय भी नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट उनके पास अवेलेबल नहीं होगा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट से भी आप लोग जो एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं हो तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएगा, देखिए आप तो एक सिंपल वे में आप आवासीय प्रमाण पत्र बना लीजिए या तो फिर आप यहाँ पे जो पंचायत का हेड मुखिया है ये ऑप्शन यहाँ पे चूज करें, देख सकते हैं यहाँ पे विलेज पंचायत हेड मुखिया मतलब ये ऑप्शन आप यहाँ पे चूज करेंगे। और इसमें कौन सा फॉर्म आता है, देखिए इसका जो फॉर्म आता है विलेज पंचायत मुखिया का ये कुछ इस प्रकार से आता है, ये वाला यहाँ पे इसमें सबसे पहले यहाँ पे इसको फिल करना पड़ेगा, यहाँ पे इस वाले कॉलम में फोटो चिपकाना पड़ेगा। किस प्रकार से आपको फिल करना है चलिए थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ये फॉर्म जो है किस डेट को आप फिल करें वो डेट आपको यहाँ पे लिख देना है, उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंटल पे आपको टिक कर लेना है, उसके बाद अपडेट रिक्वेस्ट पे आपको टिक कर लेना है, उसके बाद इसमें आधार नंबर फिल करेंगे, आधार पे जो फुल नेम है वो स्पेलिंग के साथ यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे केयर ऑफ में किनका नाम देना चाहते हैं, उसके बाद पूरा एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पिन कोड नंबर, उसके बाद यहाँ पे जो भी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट से यहाँ पे जो है साइन करवा लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उस कैंडिडेट का यहाँ पे फोटो एक चिपकाएंगे, फोटो चिपका करके यहाँ पे जो भी आपके पंचायत का हेड मुखिया है उनसे जो है यहाँ पे साइन और मुहर करवा लेंगे, देखिए साइन कुछ इस प्रकार से क्रॉस करवाएंगे और इस पे फोटो पे चढ़ा करके जो है मुहर लगवा लेना है, ठीक उसी प्रकार से नीचे में यहाँ पे जो व्यक्ति यहाँ पे वेरीफाई करेंगे उनका डिटेल आ जाएगा, जैसे कि अगर मुखिया यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं तो मुखिया का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा किस पद पे है, उसके बाद जैसे कि अगर कोई विधायक से जो है मतलब ये जो है साइन मुहर करवाएंगे तो यहाँ पे विधायक के यहाँ पे एमपी एमएलए का ये इस वाले ऑप्शन में चूज करेंगे, कोई एमबीबीएस डॉक्टर है एमबीबीएस डॉक्टर से यहाँ पे करवाएंगे तो उसमें काफी सारे इसमें ऑप्शन दे हुए हैं, अगर विलेज पंचायत हेड मुखिया है तो ये दूसरा वाला ऑप्शन पे यहाँ पे इस प्रकार से जो टिक लगा है इस प्रकार से लगवा लेंगे और इस सभी बॉक्स में टिक करना है, और इस बॉक्स में आपको जो है यहाँ पे जो भी व्यक्ति यहाँ पे ऊपर यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे उसी व्यक्ति का यहाँ पे जो है साइन मोहर करवा लेंगे, जैसे मुखिया कर रहे हैं मुखिया का साइन और सिग्नेचर इसमें मतलब करवा लेना है, मतलब साइन और मोहर, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको फिल करके और फिर आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे ये आपको चूज कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आवासीय से कर रहा हूँ तो यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट चूज कर लेता हूँ, उसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है अपलोड पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू अपलोड है इस पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है जिस भी फोल्डर में रखे हुए वो फोल्डर यहाँ पे चूज करेंगे, चूज करने के बाद यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार से अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे 100% आ जाएगा। ध्यान रहे यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, देखिए यहाँ पे अपलोड होने के बाद आप इसे देखना चाहते हैं इस प्रकार से देख भी सकते हैं, चलिए मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है।
अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पे जा से क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है प्रीव्यू पेज पे आ जाइएगा। यहाँ पे जो भी डिटेल आपने फिल किया है वो डिटेल आपको एक बार प्रीव्यू दिखाया जाएगा कि भैया आपका जो अभी यहाँ पे आधार जो अपडेट कर रहे हैं तो आपका जो आधार आएगा उस पर यही एड्रेस रहेगा। आप एक बार इसे मिलान कर लेंगे, अगर आपको इसमें लगता है कि हाँ इसमें किसी प्रकार का मिस्टेक हो गया तो आप बैक जा करके या जो है यहाँ पे एडिट के सामने यहाँ पे पेंसिल है इस पर क्लिक करके आप एडिट कर लेंगे। तो अगर आपका डिटेल सही है तो यहाँ पे जो है इस दोनों बॉक्स पे आपको टिक करना है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा पेमेंट का, तो आपको फिर से इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है कोई भी आपको एक पेमेंट गेटवे आपको चूज करना है। ठीक है, चलिए मैं ये ऑप्शन चूज कर लिया, कोई सा भी पे क्लिक कर लेना है। पेमेंट गेटवे पे दो पेमेंट गेटवे इसमें लगाया गया, तो मैंने यहाँ फर्स्ट वाला पे क्लिक किया, उसके बाद में एक पेमेंट है इस पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है पेमेंट ऑप्शन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, कोई कार्ड के माध्यम से या UPI या QR कोड के माध्यम से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग वॉलेट के माध्यम से करना चाहते हैं, जो भी से करना चाहते हैं आप यहाँ पे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं जो है इसको ही स्कैन कर लेता हूँ, तो आप अपने पेटीएम या गूगल पे जो भी आप चलाते हैं वो उससे जो है आपको स्कैन करके पेमेंट कर देना है। मेरा जो पेमेंट है सक्सेस हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं 50 पे जो है पेमेंट जो है सक्सेसफुली हो चुका है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा देर वेट करना है, ऑटोमेटिकली ये पेज रिफ्रेश होगा, यहाँ पे आपको बैक होने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये जो है बैक होकर के यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट जो है रिसिप्ट जो है यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो मेरा एक्नॉलेजमेंट है वो जो है डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है एक्नॉलेजमेंट है, अगर जिस कस्टमर को आपने अपडेट किया है तो उसको आप यहाँ पे इसे प्रिंट आउट करके दे देंगे। तो फाइनली दोस्तों हमने 24 घंटा वेट कर लिया है, अब आपको दिखाते हैं कि इनका जो आधार है वो सक्सेसफुली अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आज का जो डेट है वो आप देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं आज का जो डेट है 28 अगस्त है। ठीक है, कितना यहाँ पे समय हो रहा है तो 11:39 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने अपडेट किया था यहाँ पे 26/8/2023 को हमने अपडेट किया था, दिन शनिवार था और रात के जो है यहाँ पे 22:57:15 पे हमने अपडेट किया था, यानी कि जो है रात के जो है 11 बजने में जो है 3 मिनट पहले हमने अपडेट किया था। ठीक है, और जो है यहाँ पे कल रविवार था और आज जो है सोमवार है। ठीक है, तो यहाँ पे सोमवार है तो आज मॉर्निंग में ही ये जो है अपडेट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोग को दिखला देता हूँ कि इनका जो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे जो है SRN नंबर है इसे हम आपको ट्रेक करके दिखला देते हैं कि इसे यहाँ पे हम SRN नंबर को कॉपी किया और फिर से यहाँ पे आधार के जो वेबसाइट है इस पे आइएगा या फिर जो है मेरे इस वेबसाइट पे आकर के यहाँ पे चेक आधार स्टेटस है इस पे सामने क्लिक है इस पे क्लिक करेंगे या फिर जो है यहाँ पे आकर के यहाँ पे इस आधार की वेबसाइट पे यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे चेक इनरोलमेंट या अपडेट स्टेटस है इस पे आपको क्लिक करना है और इसमें जो है रेफरेंस नंबर टाइप करना है SRN नंबर और यहाँ पे जो कैप्चा कोड है ये इसमें फिल करना है। कैप्चा कोड टाइप करने के बाद सबमिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका जो स्टेटस है वो यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लेकर के आ गया, हैज बिन जनरेटेड, मतलब जो है आपका जो आधार है वो जनरेट हो चुका है। आधार हैज बिन प्रिंटेड एंड पोस्टेड टू, मतलब जो ये बोल रहा है कि आपका जो आधार है वो जो है पोस्टेड, मतलब जो है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो है भेजा जाएगा। ठीक है, या आप जैसे जो है डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमने जो है यहाँ पे इनका डाउनलोड भी किया है तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर हम प्रोफाइल पे क्लिक करके आपको दिखला देते हैं। देख सकते हैं उषा कुमारी है, इस पर हम फिर से क्लिक करते हैं। यहाँ पे इस बार जो देख सकते हैं एड्रेस जो हमने सुधार किया था वो सक्सेसफुली एड्रेस सुधार हो चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है 24 से 48 घंटे के अंदर में अपना आधार जो है सुधार करवा सकते हैं। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।